तो यार आ चुके एक वीडियो के साथ वापस। अब हमेशा की तरह बंदे उतरते हुए अपार्टमेंट दिख रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट पे उन्होंने स्विच करके जो स्कूल की तरफ चले गए और हम उतर गए अपार्टमेंट में। वैसे हम थोड़ा सा उनको देखने के चक्कर में लेट भी हो गए, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ पे लूट करना ही क्यों, जस्ट एक गन उठाओ एंड सीधा जो है बंदे के ऊपर पुश कर देते। बट एक वेस्ट तो चाहिए थी यार, तो यहाँ पे जो है वेस्ट ढूंढने के चक्कर में गन्स तो मिल गई, और जैसे वेस्ट मिली तो वैसे जो है मैं सीधा बाहर कूदा और स्कूल की तरफ चला गया, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर वो फाइट ऑलरेडी उनकी मतलब एक दूसरे के साथ तो फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे, अभी थोड़ा सा भी लेट होऊंगा तो भाई वो लोग जो है इतनी देर में फिनिश भी हो जाएंगे। और होता भी कुछ कुछ वैसा याद आता, लेकिन दो बंदे तो बचे हुए थे तो अभी इनको तो पेलना था। ये एक टीम के थे या अलग अलग टीम के उतना नहीं मेरे को पता, लेकिन एक बंदा जो ऊपर छुपा हुआ था उसने अपनी लोकेशन देना बंद कर दिया। अभी मैं खुद सोच रहा हूँ कि वो ऊपर तो गया नहीं, इतना मेरे को पता है, अभी वो किसी कमरे में छुपा है। अभी जैसे मैं घुसूंगा तो या तो वो शॉटगन मारेगा मेरे को, फिनिश कर देगा, बट दूसरा मूवमेंट में भी दूसरा चांस रहेगा। सो यहाँ देखते हैं, और बड़ी अजीब जगह छुपा होता है ये बंदा, लेकिन इस बंदे को पेल दिया। और ना सिर्फ इसको, इसका साथी भी क्या रहता है उसके पास, पर अच्छी गन थी, उसको ढूंढने जाते हैं हम। एंड बच गया, मैंने सोचा यार चलो अभी बच तो गया, ये तो लेवल टू की वेस्ट ले लेते, लेकिन कुल मिला के बाद बंदा भाग ही जाता, ऑलमोस्ट भाग जाता यहाँ से, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी उसने। अच्छा खासा टीपीपी ले रहा था, और टीपीपी लेते हुए आपको पता है गाइस आपके पास ज़्यादा एडवांटेज रहता है। पीछे क्यों कूदा मेरे को समझ नहीं आया, यहाँ से पीछे भाग सकता था, लेकिन बाहर तो उसकी कोई गाड़ी थी भी नहीं। गैर हमने यहाँ से गाड़ी उठाई, सीधे चले जाते रोजोक। अब रोजोक से हमारे मकसद था कि हम जॉर्जो जाएंगे, क्योंकि वो ड्रॉप जो हमसे मिस हो गया था जॉर्जो वाला, तो हमने सोचा चलो जॉर्जो चलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी गाइस, और कोई आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन जो रैंडम बंदे रहते हैं वो काफ़ी एकदम पूरी जी जान से आपकी हेल्प करते हैं। एक पल के लिए मैंने सोचा कि हील वील की क्यों मतलब रुकना क्यों, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट रिवाइव हुए तो पुश कर देते उनके ऊपर, लेकिन उसने वापस उतना ही मेरे को डैमेज कर दिया, तो मैं समझ गया पुश तो वो नहीं करने देगा। अब उसने मेरी सुन ली, वो मेरे को तो उसने पुश बिल्कुल नहीं करने दिया, लेकिन खुद उसने पुश कर दिया। अभी उस बंदे को तो इजीली मारा मारा, अभी उसके साथ ही जाते हैं रिकॉल पे, बचा के भाग जाते हैं वहाँ से, और रास्ते में मिल गए हम। एंड ये दोनों भी जो है काफ़ी इजीली मारे गए। और अब होता क्या है कि देखो दो दो की उसमें खेलना कितना लकी होता है, ये दो फाइट ले रहे थे मारे गए, इनके पीछे जो दो बंदे थे उन्होंने इनको रिकॉल कर लिया, उन्होंने रिकॉल किया तो ये यहाँ पे उतरे, अभी हम इनको यहाँ वापस मारेंगे। अब ये वो बंदे थे जिन्होंने उन दो बंदों को रिकॉल किया था जो गाड़ी में जा रहे थे, हमने इनको मारा तो उन बंदे ने वापस इनको रिकॉल कर लिया, और ये वापस मिल जाते कहीं और, मतलब रास्ते में मिलेंगे हमको। अभी यहाँ एक बंदा दिखा था मेरे को, एक्चुअली ये बंदा विजिबली नहीं दिखा था, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे जो है फाइट ली थी किसी के साथ, तो पता था कि उस पहाड़ी के इधर बंदा है कोई ना कोई। अब उस तरफ से भी वैसे ही फायरिंग आता है, अरे
अभी मैंने पीछे जो है इनके दो बंदे जो आपस में फाइट ले रहे थे, उनमें से जो फाइट जीत रहा था उस बंदे को तो नॉक एंड फिनिश कर दिया, नॉक वाले का भी किल उठा लिया मैंने। भाई सबसे महंगा पड़ता है जोन के बाहर फाइट लेना। वैसे आप इनकी तरह गलती मत करना गाइस, आप ट्राई कर सकते हो वन इज बेट, जहाँ पे जो है अगर आप गाइस कोई भी टीम के ऊपर प्रेडिक्शन लगाते हो एंड आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है तो आप जो है कुछ कैश जीत सकते हो, और ना सिर्फ जीत सकते हो, मेरा बोनस कोड यूज़ करके आपको 13,000 का कैश बोनस मिलेगा। इंडिया वर्सेज श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है, मेरी जो प्रेडिक्शन है वो इंडिया के ऊपर है, तो अगर इंडिया जीतती है तो मैं जो है वो कुछ अमाउंट कमा पाऊँगा, उसको विड्रॉ कर पाऊँगा। तो ट्राई करना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा मैं, और मेरा बोनस कोड यूज़ करोगे तो 13,000 का कैश बोनस मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर। ट्राई करना, फिलहाल ये स्विंग करता हुआ नेट अब एकदम स्विंग करता हुआ ग्रेनेड गया वहाँ पे और बंदा खत्म। और ये वही बंदे थे जिनको मैंने पहले भी जो है निपटाया था, नाम भी जो है आप देख सकते हो, हमेशा की तरह थोड़ा बहुत लूट करते हम और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और मकसद था कि एक रिकॉइल पॉइंट आखिरी जो बचा हुआ था उस पे आना, क्योंकि यहाँ पे बंदे हो सकते थे। और बंदे भर भर के होते हैं यहाँ पे, वो भी दो टीमें। अजीब अजीब जगह से बंदे निकल रहे हैं, बता जैसे कि मैंने कहा दो टीमें थी यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट एक टीम को तो निपटा दिया है, दूसरी टीम का आखिरी बंदा शायद बचा हुआ है, वो तो भाग ही जाता है। अब रिकॉल पॉइंट तो आखिरी था जिस पे भी हमने कब्जा कर लिया था, आखिरी बंदा पता चलता है कि ये भागा नहीं था, ये यहीं छिपा हुआ था, और जैसे हमने गाड़ी की आवाज़ आई उसको लगा कि हम जाने वाले, तो उसने फुस्ट अप दे दी और आपके सामने उसके बाद। कभी कभी जो है हमको बाहर कूदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीममेट ही खिल के इतने भूखे रहते हैं ना, वैसे ये टीम भी थी हमारी। लेकिन अगेन ये टीम अप वाला मिलता हमको, पहले भी मिला था। अभी ये जो बंदा दूर से फायर कर रहा था ना, इसके पास भी सेम गन थी मेरी वाली, वो तो M4 से जैसे जैसा दूर से फायर कर रहा था जैसे मैंने किया। अभी मैंने इसको डैमेज दिया था ना, तो वो वहाँ पे हील करने में लगा था। मैंने इस पर पुश कर दिया और दूर से मेरे टीममेट भी जो इसको फायर दे रहे थे, सो उसको डैमेज पड़ रहा था वहाँ से, और थोड़ा सा रिस्की था भाई, मतलब वैसे ही करना अगर सामने वाले के पास हो तो रश करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन ये बंदा काफ़ी ढीला था तो इसको इजीली मार दिया। अब एक और टीम दिखती है, तीसरा बंदा स्पॉट होता है पहाड़ी के ऊपर, दिखता नहीं है पहले और अब जाके दिखा। अभी सबसे खराब किस्मत में ये हो सकता है कि तीन के तीन किल आपको ना मिले, और वैसे ऑलमोस्ट कुछ होने वाला था मेरे साथ यहाँ पे। एक एक करके मैंने तीन बंदे इनके नॉक कर दी, उसके बाद जो है क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जाती है, और दो किल मेरे जो यहाँ पे ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं, दो मिले मेरे को यहाँ पे, जबकि तीन बंदों को तो मैं ऑलरेडी नॉक कर चुका था। खैर आखिरी के कुछ बंदे बचे हुए थे और ये वही बंदे थे जो टीम वाले थे। अभी हमारे पास तो जो था मतलब ऑलमोस्ट हमने किल विल कर ही लिए थे, एंड ये बंदे भी काफ़ी देर से थे हमारे साथ, तो इनको चिकन देना तो बनता है। सो हमने जो है अपनी टीम पे मौली कर दी, बट वो आखिरी वाले बंदे को जो है रैंडम बंदे ने मार दिया, एंड हम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मर ही गए थे, लेकिन
उसने आखिर कमार के चिकन डिनर कर लिया यहाँ पे। वैसे ये दो भी बच्चे ही थे जो हमारे साथ खेल रहे थे, काफी छोटे बच्चे थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो है वनडे स्पेट को भी ट्राई कर लेना। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें आप जो अपनी फेवरेट टीम के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हो। मैंने सोच लिया था कि भाई इंडिया का अगर टेस्ट मैच होता है तो भाई ऑब्वियसली यार इंडिया जीतने वाली है, तो इंडिया के ऊपर मेरा प्रेडिक्शन है गाइस। तो आप भी वनडे स्पेट पे जाके जो है प्रेडिक्शन कर सकते हो, ट्राई कर लेना। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस। थैंक यू।